मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नालागढ़ को करोड़ों रुपए की सौगात दी। सीएम ने बस अड्डे समेत 52 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। करीब 225 करोड़ की सीएम ने नालागढ़ वासियों को सौगात दी। साथ ही सीएम जयराम ठाकुर ने जनसभा को भी संबोधित करते हुए कहा, काफी दिनों बाद नालागढ़ आया, लेकिन हमारी सरकार के समय में पिछले 4 सालों में नालागढ़ के विकास कार्यों को रुकने हमने नहीं दिया और तेजी के साथ नालागढ़ में विकास कार्य हो रहे हैं। ये बात भी सीएम जयराम ठाकुर की तरफ से अपने नालागढ़ दौरे के दौरान कही गई। नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों को हम हमेशा गति देते रहे और मुझे इस बात की खुशी है 52 उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम हुए विधानसभा में और 225 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास एक दिन में। और मैं इस बात को कह सकता हूँ शायद ही नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र में एक साथ इतना बड़ा नंबर उद्घाटन और शिलान्यास का और इतनी राशि के इतने पैसे के उद्घाटन और शिलान्यास एक दिन में हुए, मुझे नहीं लगता क्या से पहले हुए। हम तो भारतीय जनता पार्टी के जीतने के लिए जो भी संभव होगा वो करेंगे और निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश में जो 4 सालों में हमने हिमाचल प्रदेश की जनता की सेवा की है, निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप वो चुनाव लड़ना चाहते हैं वो लड़े। आज हमने कहा कि CSC नालागढ़ को अपग्रेड करके सिविल हॉस्पिटल करने की हमने घोषणा की और इसकी बेड कैपेसिटी भी बढ़ाएंगे, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स यहाँ पर होंगे आने वाले समय में, क्योंकि OPD बहुत बड़ी यहाँ पर रहती है। 6 अलग अलग तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। सीएम जयराम ठाकुर का ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया, पगड़ी पहनाई गई, बस अड्डे का शुभारंभ भी सीएम जयराम ठाकुर ने किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लोगों की समस्याएं सुनी और इस बाबत आप देख सकते हैं कि लोगों का जनसैलाब उमड़ा था, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे और पूजा अर्चना भी की गई।